तो विक्टोरिया की तरफ जाते हुए एंड ऑपोजिट रोड ऐसा है एंड यहाँ से थोड़ा सा दिखता है बट फोन में क्लियरली नहीं आ रहा है तो एंड सामने है पुचका वाला तो वहाँ पे है टिकट काउंटर बहुत भीड़ है इसलिए हम थोड़ा दूर खड़े हैं मतलब मैं दूर खड़ी हूँ एंड यहाँ पे आसपास बहुत लोग हैं और अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ जो राइट साइड से होकर निकलता है एंड भीड़ बहुत है यहाँ पे वो रहा द विक्टोरिया मेमोरियल एंड ये रही मेरी विक्टोरिया मेमोरियल एक लेक टाइप का है आई गेस पार्क एरिया है एक लेक टाइप का लेक शायद लेक या पॉन्ड जो भी है एंड व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का तो बहुत लोग यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करते हैं तो फोटोशूट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है विक्टोरिया मेमोरियल एंड अभी हम वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे एंड वहाँ एक बहुत अच्छा सा हवा चल रहा था पेड़ वेड़ बहुत है ना तो अच्छा सा है वेदर वॉशरूम ये देखिए मना है तो अभी हम भाई को जाना है उसको हर जगह वॉशरूम एंड वो रहा मेरे पीछे ये सब पुराने कुछ कॉटेजेस हैं शायद कोई नहीं रहता है दोनों पर लॉक भी नहीं है एंड यहाँ पे झोपड़ी टाइप का कुछ है पता नहीं क्या है बहुत मतलब शांत सा प्लेस लगता है इधर आने से मतलब अगर लोग कम रहे तो मतलब और भी शांत होगा अच्छा लग रहा है एकदम सूदिंग लगता है एंड ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जो मतलब देख रेख करते वो उन लोगों का कुछ ऑफिशियल है बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं और उन सब में सुंदर मेरी मम्मी यहाँ पे खड़ी है ये है विक्टोरिया मेमोरियल के अंडर में कैंटीन विक्टोरिया मेमोरियल डिपार्टमेंटल कैंटीन ये है मेन्यू कार्ड एग रोल लेना हेलो हेलो हेलो
एग रोल खा के अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, मतलब एग्जिट गेट की तरफ। एंड एग रोल लिटरली बहुत टेस्टी था, एकदम सिंपल एग रोल जो परफेक्टली बनता है वैसा ही था। 30 रुपीज़ प्राइस, एकदम मतलब अफोर्डेबल, परफेक्ट। और अभी जाते हैं एग्जिट गेट की तरफ। वहाँ पे एक फाउंटेन है, तो भाई को बहुत देर से वहाँ जाने का मन है, बट हमने बोला था बाद में, अभी फाइनली जा रहे हैं क्योंकि अभी पेट पूजा हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। फाउंटेन है वहाँ पे, वैसे शायद और कुछ नहीं है, बस फाउंटेन ही है। ये रहा फाउंटेन, एंड उस साइड में एक रेनबो टाइप का टेक्सचर आ रहा है। आई डोंट नो कैमरे में विजिबल है कि नहीं, बट दिख रहा है। सामने जाबी ना, पीछे ना, पड़े जाबी। एंड आसपास यहाँ पे थोड़ा सा कपल स्पॉट है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही है। मम्मी के सामने नहीं बोल रही, बट एक्चुअली ये कपल स्पॉट ही है। एंड पेड़ वेड़ है, सामने एक बिल्डिंग, मस्त फाउंटेन है। तो आ गए हैं गेट के बाहर, एंड इतना धूप है, पापा छतरी लेके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, और हम अभी निकल रहे हैं। मेमोरियल के बाहर बैठे हैं अभी, एंड सब फुल टू टायर्ड है अभी, और फिर भी यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि आज संडे है तो ऑफ डे होता है सबका। बट हम निकल गए हैं, पापा और अंकल गए हैं घोड़ा गाड़ी का जो मतलब कितना प्राइस वगैरह होता है वो सब जानने के लिए, क्योंकि मैं बचपन में चढ़ी हूँ बट भाई अभी तक चढ़ा नहीं है, तो उसके लिए अभी गए हैं वो लोग। हम लोग थोड़ा रेस्ट करें, बहुत टायर्ड लग रहे हैं। और एक्चुअली हम एग्जिट गेट से निकल रहे थे, वहाँ पे हम भूल गए कि अंकल और दीदी एंट्री गेट जो है उधर बैठे हैं, तो हम निकल गए, फिर हमें अंदर आना पड़ा पूरा घूम के, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम चला गया, तो अभी इसलिए यहीं पे, और थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। चोरिया से आते आते अभी पौने तीन पंद्रह हो चुका है, तो फिर से लंच टाइम ऑलरेडी हो ही चुका है, तो हम लोग अभी करेंगे लंच। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, बालीगंज में ही है रेस्टोरेंट, तो यहीं पे अभी हमारा होगा लंच। तो यहाँ पे आ गया है हमारा लंच, तो फिलहाल अभी बस वेज आइटम्स आए हैं। यहाँ पे है मूंग दाल, यहाँ पे ये है पालंग साग, मतलब बाकी और सब्जी के साथ पालंग साग विद डिफरेंट वेजिटेबल्स, राइस तो है। यहाँ पे झूरी आलू भजा जिसमें ये है बादाम, करी पत्ता एंड अनियन, नींबू एंड मिर्ची। और यहाँ पे रहा आज का स्पेशल चिकन भाई, हैप्पी चिकन भाई खुशी, एंड मम्मी का फेवरेट पालंग साग। लंच हो गया है, अभी जा रहे हैं आश्रम वापस, और इतने दिनों बाद में तो ऐसा लग रहा है घर का कुछ लंच किया है। और एक मिनट, हाँ तो मैं बोल रही थी कि इतने दिनों से आश्रम का खाना खाते खाते मतलब पक चुके हैं, नहीं बोलना चाहिए, बट आश्रम का नॉर्मली क्या होता है बहुत सारे लोगों के लिए बनता है, बट
मज़ा ही लोगों के लिए तो होटल में बनता है, बट फिर भी टेस्टी था। और एकदम घर का खाना जो होता है, जैसे हम घर में खाते हैं झूरी आलू भजा मांस, एकदम परफेक्टली वैसा। बकबक करते करते आश्रम पहुंच गई हूँ मैं। तो यही कि मतलब इतने दिन आश्रम का वो नॉर्मल सब्जी दाल भात खाते खाते मतलब, और खाना का टाइम टेबल भी इतना उल्टा पुल्टा था ना, 12 बजे लंच, तो आज जाके बहुत दिनों बाद हम सब ने परफेक्टली लंच किया। अच्छा लग रहा है। अभी मुझे जाके थोड़ा सा रेस्ट करना है कि सुबह के निकले हुए हैं, सबसे बहुत टायर्ड है। तो चलो रूम में चलते हैं एंड व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। शायद याद नहीं है तो मैंने फिर से भी व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं मार्केट में एंड पापा दीदी भाई वो लोग गए हैं मंदिर आरती देखने के लिए, डेली जो संध्या आरती होती है वो। और मैं अंकल और मम्मी जा रहे हैं, यहाँ पास में बालीगंज मार्केट है वहाँ पे कुछ ऐसे ही देखने, क्योंकि कुछ ख़रीदा नहीं है वैसा, और जल्दबाजी में कहीं से ख़रीदना होता नहीं है। तो इसलिए अभी जा रहे हैं, पता नहीं देखते कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो घर वापस आ जाएंगे बस। पहुँचे हैं आश्रम एंड यहाँ से हम लेने आए थे पानी, तो पानी लेके अभी जा रहे हैं अपने रूम वापस। और रात के डिनर में वही जो आश्रम से मिलता है, क्योंकि अभी बाहर फिर से डिनर लेने जाने का मन नहीं हो रहा है। दो मार्केट गए थे हम लोग पर फिर भी मन नहीं है, और जहाँ पे हम गए थे खाना लाने वहाँ पे भी बहुत टाइम लगता, कि बहुत लंबा लाइन था, और यहाँ पे मतलब आश्रम के आसपास उतना होटल अवेलेबल नहीं है। तो अभी करते हैं डिनर, डिनर के बाद अभी सोचेंगे, कल हम वापस जा रहे हैं जीराट। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप वीडियो अच्छा लगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।